दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी कंपनी में डायरेक्टर हैं जो 31 दिसंबर 2017 से पहले बनी है? अगर हाँ, तो आप अपनी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में एक फ़ोटो क्लिक कराने के लिए रेडी हो जाइए। अरे अरे, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में डायरेक्टर हैं जो 31 दिसंबर 2017 से पहले बनी है, तो आपको 25 अप्रैल 2019 से पहले पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी कि ROC को एक फॉर्म फाइल करना होगा, जिसमें एक फ़ोटो अटैच करनी होगी अपने ऑफिस के इनसाइड और आउटसाइड की, अलोंग विद द पिक्चर ऑफ अ डायरेक्टर जो इस फॉर्म को सर्टिफाई करेगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि क्या है ये फॉर्म 22A, किसे फाइल करना है, कौन एग्जम्प्टेड है, क्या क्या अटैचमेंट लगानी है, और अगर टाइम से फाइल नहीं किया तो क्या क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स यानी कि MCA ने कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 के तहत सेक्शन 12 में एक नया सबसेक्शन इंसर्ट किया, जो कहता है कि अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही है या ऑपरेशनल नहीं है, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस के फिजिकल वेरिफिकेशन का नोटिस दे सकते हैं, और अगर कोई भी डिफॉल्ट पाया जाता है तो कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेते हुए उसका नेम रिमूवल कर सकते हैं। यानी सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो कंपनी को बंद कर सकते हैं। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 को भी अमेंड किया, एक नया रूल 25A इंसर्ट करके। ये रूल कहता है कि जो कंपनीज 31 दिसंबर 2017 से पहले बनी हुई हैं, उन्हें ई फॉर्म एक्टिव फाइल करना होगा, वो भी 25 अप्रैल 2019 से पहले पहले। ये एक ई फॉर्म है जिसमें आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स के साथ साथ अपने डायरेक्टर्स और CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी की भी डिटेल्स देनी होंगी। आज की वीडियो में हम आपको इसी फॉर्म के बारे में बता रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि किसे फाइल करना होगा ये फॉर्म, ई फॉर्म 22A। दोस्तों, हर वो कंपनी जो 31 दिसंबर 2017 से पहले इनकॉर्पोरेट हुई है, उसे ये फॉर्म फाइल करना होगा। जो कंपनी 1 जनवरी 2018 को या उसके बाद बनी है, उन्हें ये फॉर्म फाइल नहीं करना होगा। आइए अब बात करते हैं कि किस किस कंपनी को ये फॉर्म फाइल नहीं करना होगा। दोस्तों, एज पर रूल 25A, वो कंपनी जो 1 जनवरी या उसके बाद बनी है, उन्हें ये फॉर्म फाइल नहीं करना 1 जनवरी 2018 के बाद। वो कंपनी जो स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, उन्हें भी ये फॉर्म फाइल नहीं करना। वो कंपनी जिनके स्ट्राइक ऑफ का प्रोसेस चल रहा है, उन्हें भी ये फॉर्म फाइल नहीं करना। वो कंपनी जो अंडर लिक्विडेशन है, उन्हें ये फॉर्म फाइल नहीं करना। जो कंपनी अमलगमेटेड कंपनीज हैं या डिसॉल्व कंपनीज हैं, उन्हें भी ये फॉर्म फाइल नहीं करना। इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2017 से पहले इनकॉर्पोरेट हुई हर वो कंपनी जो ऑपरेटिव है, उसे ये फॉर्म फाइल करना होगा। आइए अब जानते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकती, जिन्हें करना तो चाहिए बट वो कर नहीं सकती। दोस्तों, वो कंपनीज जिन्हें अपने KMP में CS अपॉइंट करना मैंडेटरी है बट उन्होंने अपॉइंट नहीं कर रखा, वो ये फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगी जब तक वो CS अपॉइंट ना कर लें। वो कंपनी जिन्होंने 2017-18 के लिए फॉर्म AOC-4 एंड MGT-7 फाइल नहीं कर रखे हैं, वो भी ये फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगी। यहाँ आपको ये बता दें कि फॉर्म AOC-4 एंड MGT-7 ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए यूज़ होते हैं। दोस्तों, वो कंपनी जिन्होंने फॉर्म ADT-1 फॉर ऑडिटर अपॉइंटमेंट फाइल नहीं किया है 2018-19 के लिए, वो भी इस फॉर्म को फाइल नहीं कर पाएंगी। और अगर आपकी कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम है प्रेस्क्राइब लिमिट से, तो भी आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी कंपनी के किसी भी डायरेक्टर का डिन अप्रूव नहीं हुआ है, तो भी आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी कंपनी के लिए कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना ज़रूरी है बट आपकी कंपनी ने कर नहीं रखा है, तब भी आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन शॉर्ट कहें कि अगर आपकी कंपनी ने कोई भी नॉन कंप्लायंस किया हुआ है, तो आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक आप उस नॉन कंप्लायंस को रेक्टिफाई नहीं करते हैं।
आइए अब बात करते हैं कि इस फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल्स देनी होगी। दोस्तों, आपको आपकी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एड्रेस आपको देना होगा। ईमेल आईडी आपको कंपनी की देनी होगी जिस पर आप ओटीपी रिसीव करोगे। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स देनी होगी। डिटेल्स ऑफ ऑडिटर देनी होगी। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट ऑडिटर देनी होगी अगर एप्लीकेबल है। डिटेल्स ऑफ केएमपी इंक्लूडिंग कंपनी सेक्रेटरी अगर एप्लीकेबल है। एसआरएन नंबर देना होगा एओसी 4 और एमजीटी 7 का जो आपने 2017-18 के लिए फाइल किया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या क्या आपको अटैच करना होगा इस फॉर्म में। आपकी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के फोटोज एक्सटर्नल साइड के और आपकी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर का फोटो जिसमें कंपनी का एक डायरेक्टर या सीएस भी हो, पर्टिकुलरली वो ही डायरेक्टर जो इस फॉर्म को सर्टिफाई करेगा अपने डिजिटल सर्टिफिकेट से। फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या अटैच होगा, ये तो हमने बता दिया। आइए अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को फाइल करने की कितनी फीस पे करनी होगी आपको। दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को 25 अप्रैल 2019 तक यानी टाइमली फाइल कर देते हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी होगी इस फॉर्म की। जी हाँ, इस फॉर्म की कोई फीस नहीं है 25 अप्रैल 2019 तक। बट अगर आप 25 अप्रैल के बाद इस फॉर्म को फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये की फीस पे करनी होगी इस फॉर्म की। दोस्तों, 1% कंपनी यानी ओपीसी, सेक्शन 8 कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनीज को भी ये फॉर्म फाइल करना होगा। आइए बात करते हैं कि इस फॉर्म के सर्टिफिकेशन की, इस फॉर्म को कौन सर्टिफाई करेगा। दोस्तों, ई फॉर्म 22A को दो डायरेक्टर्स या एक डायरेक्टर एंड एक केएमपी के द्वारा सर्टिफाई करना होगा। हालांकि 1% कंपनी यानी ओपीसी के लिए एक डायरेक्टर का सर्टिफिकेशन ही काफ़ी होगा। आइए बात करते हैं कि अगर आपने इस फॉर्म को फाइल नहीं किया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। दोस्तों, अगर आपकी कंपनी ने टाइम से इस फॉर्म को फाइल नहीं किया तो इस कंपनी का स्टेटस एक्टिव नॉन कंप्लायंट हो जाएगा और आपकी कंपनी इन फॉर्म्स को फाइल नहीं कर पाएगी। पहला फॉर्म आता है फॉर्म SS7 फॉर इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये आपकी कंपनी फाइल नहीं कर पाएगी। फॉर्म PAS3 फॉर चेंज इन पेड अप कैपिटल, ये फॉर्म भी आपकी कंपनी फाइल नहीं कर पाएगी। फॉर्म DIR 12 फॉर चेंज इन डायरेक्टर्स, ये भी फाइल नहीं कर पाएगी। फॉर्म INC 22 चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड फॉर्म INC 28, ये सारे फॉर्म्स आपकी कंपनी फाइल नहीं कर पाएगी अगर आपने ये फॉर्म टाइम से फाइल नहीं किया है तो। और कंसिक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो ये होगा कि इस फॉर्म की जो फीस है वो भी इसकी ड्यू डेट यानी 25 अप्रैल के बाद 10,000 हो जाएगी अगर आपने टाइम से इस फॉर्म को फाइल नहीं किया। तो आपको इस फॉर्म को फाइल करने के लिए 10,000 रुपये देने होंगे। और अगर आपने टाइम से ये फॉर्म फाइल नहीं किया तो रजिस्ट्रार के पास राइट है कि वो आपकी कंपनी का नेम रिमूव कर सकता है। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया कि क्या है फॉर्म 22A और किसे फाइल करना होगा, कब तक फाइल करना होगा और अगर टाइम से फाइल नहीं किया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने होंगे। तो अगर आप भी किसी ऐसी कंपनी में डायरेक्टर हैं जो 31 दिसंबर 2017 से पहले बनी है तो 25 अप्रैल 2019 से पहले पहले आप इस फॉर्म 22A को फाइल कर दीजिए विद द रिक्वायर्ड अटैचमेंट्स। इस फॉर्म को फाइल करते ही आपकी कंपनी का स्टेटस एक्टिव कंप्लायंट हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हैं बट आपका कोई फ्रेंड किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो जल्दी उसके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ई फॉर्म 22A फाइल कर पाए। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है इस ई फॉर्म 22A से जुड़ा हुआ तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर हम वीडियो बना सकते हैं या आप चाहते हैं कि हमें उस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए तो आप वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम आपके दिए हुए उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों,
उम्मीद है कि अब तक तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।